तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको ये ऑब्जर्वेशन आपका इनिशियल होना चाहिए कि ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म का है। तो ये हमेशा ही आगे चल के दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। एक पार्ट आपका हो जाता है एफ एक्स और एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स हो जाता है, और दूसरा वाला पार्ट वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में बन जाता है। खैर, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास एक प्रॉपर तरीका होता है जो क्वेश्चन नंबर 20 को आप रिफ़र कर सकते हैं, और एक होता है कि आप अपने दिमाग से कितनी तेज़ी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, हाँ, एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम एडजस्ट करके कर दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीका चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को रिफ़र कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको प्रॉपर तरीका मिलेगा जो आपको बोर्ड में दिखाना होता है। और ये भी आप दिखा सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जहाँ आप फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज यूज़ कर रहे हैं उसको आप मेंशन करिएगा, तो ये भी करेक्ट है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम फाइव कॉमन देखिए, सबसे पहला काम कि जो आपका डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका 2x+4 आ रहा है, ठीक है, ये आपको न्यूमरेटर में अपियर कराना है। तो उसके लिए आप फाइव हम कॉमन कर ले रहे हैं। फाइव कॉमन करने का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर को फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो 5x/5x हो जाएगा, और यहाँ 3/5 हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें हम, तो क्या हो जाएगा 2x तो हो जाएगा कम से कम। तो हम क्या करें, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं न्यूमरेटर में, और 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2x हो गया, अब क्या करें, 4 और चाहिए, तो +4 कर लें और -4 कर लें, ठीक है। ये छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, +4 और कितना था आपका 2/5, 2 × 3/5 मतलब 6/5, तो -4 और +6/5 dx। अब देखिए, ये तो आपका जो चाहते थे डेरिवेटिव आपने अपियर करा दिया, यही एडजस्ट करना था। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, 5 × 4 = 20, माइनस का 20 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो 16 -16/5, तो ये हो गया -16/5, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक डेरिवेटिव, और तो इसको लिख लिया जाता है, तो दैट बिकम 5/2 times ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x+4 ओवर दिस क्वाड्रेटिक, और इसे लिख सकते हैं √x²+4x+10 dx, और -16/5 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे हम लोग, और साथ में ये भी आएगा 5/2 क्योंकि दोनों के साथ ही जाएगा, तो × 5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2 this quadratic, तो √x²+4x+10 dx। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एफ एक्स है तो ये उसका डेरिवेटिव है, मतलब एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स फॉर्म है। तो थोड़ा और कायदे से हम लिख दें, देखिए अब आपके लिए तो हम काफ़ी खुद एडजस्ट करते चले जा रहे हैं, आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहना है इसमें। तो ये हो गया आपका 2x+4, और जो क्वाड्रेटिक 1/2 लिखी हुई थी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x²+4x और +10, और रेडिकल फॉर्म में थी वो तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं -1/2। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, है ना, इसी फॉर्म में हमें अपियर कराना था, जस्ट इसीलिए कर रहे थे। तो ये एफ एक्स की पावर n+1/n+1 आ जाएगा, मतलब x²+4x+10 की पावर n+1, तो -1/2 + 1 +1/2 आ जाएगा, और +1/2 का मतलब क्या होता है, √, और /2 आएगा, तो ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 × 8 = 5, 5 कैंसिल हुआ -8, और ये हो गया 1/√ quadratic। तो 1/√ quadratic को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, उसका भी हमने फॉर्मूला बता रखा है आपको। ये देखिए क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, है ना, +4 और +6 उधर कर लेंगे, मतलब √6 का स्क्वायर। तो ये a² + x² हो गया, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, log(x+2) + √ quadratic,
तो क्वाड्रेटिक आपकी जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। तो अब इस स्टेप में ये भी लिख दें फाइव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अगर प्रॉपर तरीके से जाना है तो क्वेश्चन नंबर 20 को रिफर करें, एडजस्ट करना है तो दैट इज़ द एडजस्टमेंट।